हेलो दोस्तों, आज अपने सामने खड़ी है दो वेन्यू। एक वेन्यू पुरानी है जबकि एक वेन्यू नई है। जो नई वेन्यू है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 16 जून को। तो जो नई वाली वेन्यू है उसके अंदर भी कुछ खास चेंज है, मतलब कुछ चेंज बड़े हैं और कुछ चेंज माइनर हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पुरानी और नई दोनों के कंपेरिजन की। तो जो नई वाली वेन्यू है उसके अंदर जो ग्रिल्स का डिज़ाइन है वो आपको चेंज मिलेगा, इसके अंदर ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी। जबकि जो पुरानी वाली वेन्यू थी उसके अंदर आपको एक नॉर्मल सी ग्रिल मिलती है, लेकिन इसके अंदर आप भी थोड़ा बहुत क्रोम का एक्सटेंशन पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अपन पुरानी वाले वेन्यू के हेडलैम्प्स की। तो इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप के नॉर्मल से हेडलैम्प्स आते थे, लेकिन जो इसका टॉप मॉडल आता था उसके अंदर फॉग लैम्प भी आते थे। तो जो अब वाली वेन्यू आई है नई वाली, उसके अंदर क्या है कि जो आपको जो LED हेडलैम्प्स मिलते हैं उनके अंदर आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। वही जो LED हेडलैम्प्स का डिज़ाइन है वो आपको स्क्वायर शेप के अंदर मिलेगा। स्प्लिट और स्क्वायर शेप के अंदर ये डिज़ाइन मिलना इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट है, जो होंडाई लेके आई है। वहीं जो आपको नई वाली वेन्यू है उसके अंदर जो फॉग लैम्प्स आते थे वो मिसिंग मिलेंगे, लेकिन इसका जो बम्पर का साइज है उसको थोड़ा और डार्क ब्लैक करके इसकी साइज को बढ़ा दिया गया है। तो ये बात कर ली अपन ने लगभग फ्रंट से। साइड प्रोफाइल की अगर अपन गाड़ी की बात करते हैं तो साइड के अंदर कुछ खास चेंजेस दोनों में है नहीं, टॉप मॉडल में चेंज है। जो इसका बेस वेरियंट है पुरानी वाली का उसके अंदर सभी में ही ये स्पोक व्हील्स आते थे, जबकि जो अब वाली वेन्यू है उसके अंदर भी आपको ये स्पोक व्हील मिलेंगे। जो इन दोनों का टॉप मॉडल है उसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। बाकी अगर अपन बात करें जो ORVMs वगैरह हैं वो उसके अंदर आपको नॉर्मल एडजस्टेबल मिलते थे, लेकिन इस वाली के अंदर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर आपको जो एक अलग से चीज़ दी गई है वो ये है, पेडलम लाइट्स इसके अंदर आपको इस बार मिलेगी। बाकी की और मैं थोड़ी इनकी बात करूँ तो जो नई वाली है उसके अंदर आपको फेंडर के ऊपर इंडिकेटर्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो पुरानी वाली थी उसके अंदर आप फेंडर के ऊपर इंडिकेटर को नोटिस आउट करेंगे। तो ये बात कर ली अपन ने साइड प्रोफाइल की। इंटीरियर को एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं पुरानी वाली का इंटीरियर। तो पुरानी वाली का इंटीरियर कुछ इस टाइप का था। इसके अंदर जो आपको जो स्पीडोमीटर वगैरह मिलते थे वो कुछ नॉर्मल टाइप्स के मिलते थे, खास नहीं मिलते थे। स्टेयरिंग का डिज़ाइन भी थोड़ा सेम साइज था, बाकी सीट वगैरह थी उनका भी थोड़ा सेम साइज टेक्सचर था। तो ये इसके अंदर आपको जो मिलता था सामने का डैशबोर्ड वो पूरा ब्लैक में मिलता था, लेकिन और जो सीट वगैरह मिलती थी वो भी पूरी ब्लैक में मिलती थी। लेकिन अब वाली की अगर अपन डैशबोर्ड और इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेज हैं। अब इसके अंदर आपको ब्लैक विथ गार्निश डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुकआउट कर रहा है कार को। बाकी जो सीट है उनके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेज हैं। सीट के अंदर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले ज़्यादा कम्फर्ट और जो मतलब सीट वगैरह है उनकी डिज़ाइन में काफ़ी चेंज नोटिस आउट करेंगे। तो ये बात कर ली अपने इंटीरियर की। लगभग फीचर्स की मैं बात करूँ तो पहले वाले के अंदर आपको 50 कनेक्टिव फीचर मिलते थे, लेकिन अब वाले के अंदर आपको 60 प्लस कनेक्टिव फीचर्स मिलते हैं। बाकी इसके अंदर नेचर ऑफ साउंड भी बढ़ा दिए गए, उस वाले में पहले ये एब्सेंट थे, नहीं आते थे। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे अब जो नई वाली है उसके अंदर आपको गूगल वॉइस असिस्ट और अलेक्सा की कनेक्टिविटी दे दी है, पहले वाले में ये कनेक्टिविटी मिसिंग थी। तो ये हो गई इनकी एक इंटीरियर की बात। बाकी अगर आप जो इस नई वाली वेन्यू है उसका जो डोर हैं उनके ऊपर भी आप डबल फिनिश नोटिस करोगे, ब्लैक और नीचे गार्निश, लेकिन पुराने वाले में ये एब्सेंट थी। बाकी रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो जो नई वाली है उसके अंदर आपको रियर के अंदर 60:40 की सीट मिल जाती है, लेकिन सबसे मेन इंटरेस्टिंग हाईलाइट है वो इसकी रिक्लाइनर सीट। इनको आप अपने एडजस्टेबल कर सकते हो। तो ये है रिक्लाइनर सीट, जो ये ऑप्शन फर्स्ट टाइम इन दिस सेगमेंट है। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों का बूट स्पेस सेम ही था, 350 लीटर का उसमें था पुराने वाले में और 350 का इसमें। तो कुछ इस टाइप की मिलती थी रियर सीट। जो पुराने वाली वेन्यू थी उसके अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा मिसिंग चीज़ थी, रियर के अंदर एसी वेंट्स वगैरह का डिज़ाइन है और जो मतलब चार्जिंग सॉकेट है उनके अंदर कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब नई वाले के अंदर कुछ अपग्रेड हो गया है। बात करूँ इसके सीट की रियर की, तो इसके अंदर भी आपको 60:40 की सीट मिलती है, लेकिन रिक्लाइनर सीट का ऑप्शन पहले नहीं था, अब वाले के अंदर आपको रिक्लाइनर सीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी बात करूँ मैं इसके बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में आप बड़ा ही मेजर चेंज नोटिस आउट करोगे। पहले वाली जो वेन्यू थी उसके अंदर आपको रियर के अंदर कनेक्टेड टेल लैंप बार नहीं मिलती थी, लेकिन जो अब वाली वेन्यू आप देख पाओगे उसके अंदर रियर के अंदर मेन कनेक्टिंग टेल लैंप बार दिया गया है, जो उसके लुकआउट को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ये काफ़ी मेन चेंजेज लगा मेरे को पुरानी वाली वेन्यू में। पीछे के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी आप देख सकते हो, इसके अंदर 3 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बाकी जो स्किड प्लेट है वो भी पहले वाले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। बाकी जो बम्पर का डिज़ाइन आप नोटिस आउट कर ही पाएंगे, पीछे वाले के अंदर रिफ्लेक्टर आपको दिख रहा होगा,
और ये जो एक डिजाइन सी दी गई है स्किड प्लेट है उसका भी थोड़ा डिजाइन छोटा ही है। इसके टेल लैंप नॉर्मल थे जबकि उस वाले के टेल लैंप आप नोटिस करोगे कि काफ़ी ज़्यादा बड़े और कनेक्टिव टेल लैंप बाहर मिलेंगे। तो ये थी हुंडई की ऑल न्यू वेन्यू दोनों का कंपेरिजन। तो और क्या आप मेजर चेंज आउट इसमें नोटिस करोगे? इंजन की एक बार मैं बात करूँ तो दोनों का सेम इंजन मिलेगा आपको, कोई इंजन के अंदर चेंज नहीं है। वो इसके अंदर आपको 1.2 1 लीटर और 1.5 लीटर वाला इंजन मिलेगा। बाकी दोनों के इंजन वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब दोनों आप इनमें से कौन सी कंसिडर करोगे? क्या आपको लगता है कि जो नए वाले में चेंजेज किए हैं वो सफिशियंट है इस फेसलिफ्ट के अंदर, या हुंडई को थोड़ा और बड़ा ज़्यादा बदलाव करना चाहिए था? एक बात आपको मैं और बता दूँ, जो इसके अंदर सनरूफ दी गई है नए वाले के अंदर वो भी आपको इलेक्ट्रिक वाली मिलेगी, पेनोरोमिक नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से इसमें पेनोरोमिक देते तो थोड़ा कार के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती, और पहले वाले में भी आपको इलेक्ट्रिक मिलती थी। तो ये थी इन दोनों के बारे में एक छोटा सा डिटेल और कंपेरिजन वीडियो। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।